साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों एक नए टॉपिक पे बात मैं करना चाह रहा हूं। काफी टाइम से ये बातें आप लोगों के साथ, यार मेरा तो आपको पता ही है, मैं जो भी मेरे दिल में होती है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अभी कुछ मेरे पास क्या है कि फेसबुक कमेंट में भी आते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कुछ आते हैं, 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि लोग मुझे कुछ क्या बोलते हैं या वो अपनी कैसी सोच रखते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। मैंने एक आपको पता है भैया कि मेरे से जो आदमी बात करता है, जो आप लोग एडवाइस लेते हो मेरे से, अगर आपको लगता है कि आपको एडवाइस सही मिल रही है तो आप 500 रुपये फीस में चार्ज करता हूं। आपको सबको पता है इस बात को, काफी टाइम से साल भर हो गया इस सिस्टम को चलते हुए। उन लोगों को जैसे ही उनका कुछ मैसेज आता है, सर इसके बारे में बताओ, तो मेरा मैसेज ऑटोमेटिक जाता है 500 रुपये फीस से रिलेटेड। ठीक है, उनका फिर मैसेज में रिप्लाई देखो क्या होता है, ओ गॉड इतने पैसे, यानी 500 रुपये उनको इतने पैसे लग रहे हैं। सेकेंड उनके कंसर, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा लोगों का। ठीक है, आप बात करने के पैसे लेते हो। दूसरा उनके सवाल लोगों के होते हैं, आप बात करने के पैसे लेते हो। भाई मैं बात करने के पैसा लेता हूं, बाकी एजेंटी तो करता ही नहीं, तो 500 रुपये ही नहीं लूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। सोचने की बात है ना, आप भी विदेश कमाने के लिए जा रहे हो ना। दूसरी तीसरा कमेंट क्या आता है पता आपको, आप भी झूठे हो। जैसे मेरा 500 रुपये का मैसेज आता है, आप भी झूठे हो, यानी 500 रुपये के पेटे लोग झूठ करार कर देते हैं। फिर अगला क्या बोलता है, जैसे मैसेज गया आप भी बेवकूफ बनाते हो, यानी या तो उनको फ्री में राय दो, फोकट में राय दे दो, या 500 रुपये अगर वो नहीं देना चाहते तो आप बेवकूफ बन रहे हो आप। ठीक है, फ्री में लोगों की हेल्प करो तो आप भी 1-2 महीने कंपनी में जॉब कर लो ना फ्री में, कि सर मैं आपकी कंपनी में नुकसान हो रहा है, आपको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली तो हम फ्री में जॉब कर लेंगे, हमारे बीबी बच्चे घर अगर घर पे हैं, परिवार है तो कोई नहीं, उनको तो वो अपने आप देख लेंगे, हम भी फ्री में काम कर लेंगे। वो नहीं सोचते 500 रुपये में मैं आपको फ्री में एडवाइस दे दूँ, आपको तनख्वाह चाहिए 1,00,000 रुपये तक महीने की। सर आप भी बिजनेसमैन बन गए, आप तो बिजनेसमैन की बातें करते हो, आप तो बिजनेस की तरह भाई बिजनेस हर आदमी का बिजनेस कोई का किसी की नौकरी होती है। आप भी तो विदेश से रिलेटेड वीडियो देखा, नंबर लिया, फिर आपको इंक्वायरी चाहिए, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं माइंड आपका कहीं ना कहीं जॉब करने का है ना, तनख्वाह पैसा कमाने के लिए। तो हर आदमी पैसा कमाने के लिए संसार में मजबूरी है इंसान का पैसा कमाना, पैसा नहीं कमाएगा तो वो भूख मरेगा फिर, चाहे वो कितना ही बड़ा करोड़पति क्यों ना हो। ये आप पैसा ले रहे हो, ये तो गलत ले रहे हो, ये पैसा 500 रुपये में गलत ले रहा हूं, जिसमें आपको फ्री फोकट में 1,00,000 रुपये की एडवाइस मिल रही है। 500 रुपये ये तो बहुत ज्यादा है, सॉरी सर मैं नहीं दे सकता। अब कोई बात नहीं, एजेंट को 1,00,000 रुपये दे दोगे, 500 रुपये यहाँ ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पहले मेरा काम कराओ, मुझे जॉब लगाओ, फिर मैं 500 रुपये दूंगा। अब भाई 500 रुपये में मैं आपको कहाँ जॉब लगवा दूं यार, बहुत सारे कमेंट तो इसी से रिलेटेड आते हैं, पहले मेरा काम कराओ फिर पैसा लो। ठीक है, 10वां क्या कमेंट हो सकता है, सर पैसा आपके खाते में, ये यार बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, आप लोग आप भी थोड़ा देखिए, सर खाता पैसा मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है, आप अकाउंट चेक करें तो 0। अब उनको आपको क्या लगता है, मेरे खाते में रोज के 1,000 रुपये आते हैं कि मुझे पता नहीं लगता, मैं दिन में 1-2-3 आदमी पैसा मुश्किल से डालते नहीं, तो क्या मेरा अकाउंट बताएगा नहीं कि पैसा डाला कि नहीं डाला। इसका भी स्क्रीनशॉट डालूंगा। अब मैं पूछता हूं भाई पैसा कहां से डाला, कैसे डाला, कोई स्क्रीनशॉट या कोई मैसेज, सर वो फोन से डाला था मैंने, अब कोई सबूत नहीं दे पाता तो बंदे का भाई झूठ बोलने की कहां जरूरत है यार, 500 रुपये के लिए कम से कम झूठ तो मत बोलो। पैसा नहीं देना कोई बात नहीं, बहुत सारे एजेंट है जो फ्री में आपको एडवाइस दे देंगे। ठीक है, अब यार मेरे विचार है कि यार अफसोस की बात यह कि आप विदेश जाने के बारे में बात कर रहे हो, जहां बात विदेश की आ गई तो 50,000 रुपये तो खर्चा होता होगा मिनिमम, 50,000 आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, जिस एजेंट को पैसा दे रहे हो उसकी श्योरिटी आप मेरे से लेना चाहते हो, सर मैं उस एजेंट से क्यों, 500 रुपये आप ऐसे तो देने वाले हो नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये जरूरी इंक्वायरी कहीं से लूं मैं, ताकि मेरे 50,000 खर्च ना फालतू में फंस जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे साथ ठगी हो जाए, फिर मेरे से आप कॉन्टेक्ट करते हो, यानी पैसा एजेंट को दे रहे हो, सोचने की बात है, और श्योरिटी 100% आप मेरे से चाह रहे हो कि सर इसको बता दो ये सही है गलत है, और 500 रुपये मांगू तो वो बहुत बड़ी रकम हो गई। सोचो यार थोड़ा सा दिल से सोचना इस बात को, वो भी सिर्फ 500 रुपये, बहुत एक बात हमेशा नोट रख लेना, 500 रुपये कहीं पर भी आपको, अगर पूरे सिस्टम में कहीं पर भी आप चले जाओगे ना, 500 रुपये में मेरे जैसी आपको एडवाइस कोई नहीं देने वाला। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं, उसमें नीचे लिखा है कि बेस्ट इंक्वायरी के लिए पे माई फीस $220, यानी इंडिया के 15,400 रुपये सिर्फ आपको बेस्ट इंक्वायरी अगर आपको लेनी है तो पहले पैसे जमा कराओ फिर इंक्वायरी लो। यार कहाँ 15,400, कहाँ 500 रुपये, फिर भी आपको मेरे 500 रुपये ज्यादा लगने लग जाते हैं।
सर समझ रहे हो, बाकी बात है विदेश की, ये नहीं कि आप 1,000 का सामान ले रहे हो और इंक्वायरी के लिए 500 देने पड़ रहे हैं। विदेश जा रहे हो भैया, 2 साल का मेटर है, लाख रुपए खर्च हो रहा है, 500 रुपये आपको बड़ी रकम लग रही है। तो थोड़ा सा विचार करना और कमेंट में भी बताना कि आप लोगों को क्या राय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।